इंदौर के चंद्रनगर में कुचमाहापुर क्षेत्र से दो आयशर वाहन चोरी की घटना सामने आई थी, तब से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी बंडनगर पुलिस की गिरफ्त में है, जिसने चंद्रनगर थाना क्षेत्र से दो आयशर चोरी करना भी कबूल किया है। अब जल्द ही पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट के तहत इंदौर लेकर पहुंचेगी। मामला इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ माह पूर्व दो आयशर वाहन चोरी की घटना सामने आई थी। तब से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी किसी आपराधिक मामले में बड़नगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। जब बड़नगर पुलिस ने उसका रिमांड लिया तो उसने इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र से दो आयशर वाहन चुराना भी कबूल किया है। फिलहाल चंद्रनगर पुलिस अब आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट के तहत इंदौर लेकर आएगी। इसमें और भी मामले के खुलासे होने की संभावना है। वहीं पुलिस ने चोरी के दो आयशर वाहन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना चौथे पाँचवें महीने की है। इसमें थाना चंद्रनगर क्षेत्र से दो आयशर चोरी हुई थी। इसमें तलाश के दौरान एक आरोपी जो बड़नगर पुलिस के पुलिस रिमांड में है, उससे पूछताछ की गई थी और उससे जबशुदा दो आयशर जब्त की गई हैं। आरोपी की प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया है, जिससे आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की जाएगी। अभी कहाँ बंद है आरोपी, क्या नाम है इसका? अभी बड़नगर थाने में बंद है, सलीम नाम है इसका और ये हरियाणा का रहने वाला है। हाँ, चंद्रनगर के जवाहर टेकरी और टफरी गार्डन के सामने से चुराई गई थी। दो वाहन उपनिरीक्षक विशाल परियार, थाना चंद्रनगर। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।